शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए। भाई अगर विद्यार्थी अपने गुरु को याद करता है इससे बड़ी कोई बात नहीं, लेकिन अब देखिए आज के परिप्रेक्ष्य में ठीक है शिक्षक का भी धर्म है साथ में इस पर कि आप आज ही नहीं, आप आगे आने वाले समय के बाद भी आप हमको याद करते रहें। अब हम लोग तो जिस पीढ़ी में हैं, आप जहाँ सोचिए हमारे गुरु जैसे अभी वाइस चांसलर थे प्रोफेसर आर आर तिवारी सर, उनके गुरु प्रोफेसर के भुटानी सर थे। अगर हम देखें तो अभी किसी और तीन पीढ़ी की बात करें तो आज भी हम सब लोग भूल नहीं पाते एक दूसरे को, वो पीढ़ी ऐसी चलती चली जा रही है। हमारे खुद के अपने कई विद्यार्थी कई सारी जगहों पर है। शिक्षक होने के नाते देखिए हमारी ये जिम्मेदारी नैतिक जिम्मेदारी है जो आप लोगों को भी बता रहा हूँ, हम सब लोग जहाँ पर जिस भी पोजीशन पे है केवल अपना कर्तव्य करना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, अब वो कितना सही है या गलत है, लेकिन मेरे विचारों में लोग अपने कर्तव्य को, जैसे हमको अगर झाड़ू लगाने का भी काम मिले तो हमको पूरी शिद्दत और पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। वहाँ लैक है, हर जगह लैक कर रहा है। हम केवल यहीं की बात नहीं करते हैं, हम सब जगह की बात करते हैं। और अगर आपको जो जिम्मेदारी मिली है उसको आपको पूरी ईमानदारी से निभानी है, क्योंकि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस कुर्सी पर आदमी जो भी आता है वो पूरी उम्मीद के साथ आता है। ऐसे मुझे एडमिशन करने की अगर जिम्मेदारी मिली है, हर बच्चा टकटकी लगाए यहाँ पे देख रहा है कि गुरुजी वहाँ बैठे हैं तो कुछ गड़बड़ नहीं होगा, तो मतलब वो चाहे कोई भी हो किसी के लिए भी हमको बराबर निगाह से ही रखना है। मेरी अपनी सगी भतीजी है, उसका एडमिशन 3 साल नहीं किया इसी कॉलेज, घर वाले नाराज थे तो हैं लेकिन जो सिस्टम का पार्ट है, आपको जो जिम्मेदारी मिली है उसको हमको हम सब आपको ईमानदारी से निभाना चाहिए, यही मेरी आप सबको। सर इस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए हम तो अगर संदेश की भी बात करें तो हम उसमें भी यही बात कहना चाहते हैं, अब गुरु और शिष्य परंपरा तो देखिए धीरे धीरे हम कहें तो हमें तो कम ही होती दिख रही है, अब केवल शिक्षक और विद्यार्थी ही दिख रहे हैं। आप अगर बात करें हैं तो मतलब गुरु और विद्यार्थी के बीच बहुत एक बारीक सी लाइन है, मैंने बचपन से सीखा है, पिताजी में भी मेरे अध्यापक रहे जी। अब वो लाइन इतनी बारीक है कि जैसे इतना भी कठोर शिक्षक को नहीं होना है कि बच्चा आपसे अपनी प्रॉब्लम कह ही ना पाए, लेकिन इतना भी आपको मुलायम नहीं हो जाना है कि आपके कंधे पर हाथ रख के वो टहलने लगे। इस मर्यादा को हमको भी बनाए रखना है और हमारे विद्यार्थियों को भी बनाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।